तो रूस के हमले लगातार तेज हो रहे हैं, यूक्रेन सरेंडर करने को तैयार नहीं और बिना सरेंडर के रूस समझौते को तैयार नहीं है। बिल्कुल, और देखिए इस दौरान पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन के कई अहम शहरों पर कब्जा कर लिया है। इस रिपोर्ट में देखिए कहां कहां कर लिया है कब्जा। 68 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का ऐलान किया और महज 37 घंटे में 36 शहरों में शोलों की बरसात होने लगी, तबाही का मंजर नजर आने लगा, मौत का मातम दिखने लगा। कब्जे और हमले की यह तस्वीर रूसी फौज के एक्शन में आने के 37 घंटे के बाद की है और तब तक पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन के उत्तर, पूर्व और दक्षिण में बेलारूस, रूस और क्रीमिया से लगे इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और राजधानी कीव पर अपनी ताकत झोंक दी। पिछले 50 घंटों से पुतिन की फौज धीरे धीरे सेंट्रल कीव की ओर बढ़ रही है, जहां राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने सेना और लड़ने के लिए तैयार अपनी जनता के साथ डटे हुए हैं। मैप में आपको जो पीले निशान दिख रहे हैं वहां रूस ने मिलिट्री ऑपरेशन चलाया है, जो लाल निशान दिख रहे हैं वहां रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच जंग चल रही है और जो इलाके ब्लिंक करते हुए दिख रहे हैं वहां रूसी फौज का कब्जा हो चुका है। इसके अलावा मैकोलेव पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।